मार्च में धुंध, मौसम के रंग निराले, शहर के इतराफ धुंध का राज। लाहौर से पिंडी भटियां और फैसलाबाद तक मोटरवे बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की गाड़ियों पर फोग लाइट्स का इस्तेमाल और गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। शहर पर बादलों का राज, वक्फे वक्फे से हल्की बारिश, कहीं कहीं रिमझिम सूरज की बादलों के साथ अटकेलियां भी जारी रही। कभी मीठी धूप तो कभी बादलों का साया, ठंडी हवाओं का जोर भी बरकरार। आज भी बादल बरसने की पेशगोई। सांदा के इलाके जोए शाह में दो ग्रुपों में फायरिंग का वाकया पेश आया। दो साल बच्चा नूर जांग की बाजी हार गया। 32 साल रिजवान जख्मी। पुलिस ने जाए वकुआ से दो मुलजिमान को असलाह समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने लाश और जख्मी को मेओ अस्पताल मुंतकिल करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। पाक भारत कशीदगी, कमर्शियल फ्लाइट्स की ताखीर से दस्तयाबी और लॉजिस्टिक्स मसाइल पीएसएल मैचेस के आड़े आ गए। शहरी कजाफी स्टेडियम में चौके और छक्के देखने से महरूम, अहले लाहौर को बड़ा धचका। सुपर लीग के लाहौर में शेड्यूल मैचेस कराची मुंतकिल। पीसीबी ने ऐलान कर दिया, क्रिकेट शायकीन अफसरदा, मुश्किल फैसला था लेकिन तमाम फ्रेंचाइज की मुशावरत से किया। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी। पीसीबी का मैचेस की टिकटों के पैसे वापस करने का फैसला। शायकीन क्रिकेट को जल्द टिकटों के पैसे वापस किए जाएंगे। टिकटों की वापसी के लिए तरीकाकार जल्द आगाह किया जाएगा। तर्जुमान पीसीबी कहते हैं मुस्तकबिल में लाहौर में मैचेस का इनेकाद किया जाएगा। लाहौरी जो हैं बड़े, आपको पता है, जोशो खरोश से सारा कुछ करते हैं, तो उनके दिल टूटे हैं। लाहौर के सारे अवाम फुल तैयार बैठी हुई थी कि लाहौर में हमने इवेंट टिकटें भी परचेज कर ली, हमने खुद ब्लैक में टिकटें ली हैं, लेकिन अब उसका फ़ायदा कोई नहीं है कि सारे मैच वहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं। बिल्कुल, हमें मैच चाहिए और रौनक लाहौर की बहाल होनी चाहिए। से डबल टिकटों के पैसे ले लें, लेकिन मैच लाजमी होना चाहिए। अगर इनके पास सिक्योरिटी कम है तो इंशाल्लाह हमारे साथ ही खड़े होंगे सिक्योरिटी की जगह, इंशाल्लाह मैच ज़रूर हो। पीएसएल का मजा किरकिरा, क्रिकेट दीवानों ने हाथों हाथ कतारों में लगकर क्रिकेटें खरीदी। चौके छक्के और आलमी स्टार्स देखने से तो गए, अब पैसों की वापसी का झंझट। शायकीन क्रिकेट में गम गुस्सा, कम से कम एक मैच तो लाहौर में होना चाहिए, शायकीन का मुतालिबा। पीएसएल का मेला सजाने की तैयारियां धरी की धरी रह गई। इंतजामिया के इजलास पर इजलास और इंतजाम भी अधूरे। शहर गुल को जगमगाने और सजावटी अशिया से आरास्ता करने की तैयारी कर रखी थी, ऐन वक्त पर शेड्यूल में तब्दीली से इंतजामिया भी परेशान। चेक करके आ गया ऊपर से नीचे तक, ठीक है, ना कोई ऑफिस खुला हुआ है तो ना हमें किसी ने इन्फॉर्म किया है। प्लेन वो कह रहे हैं यहाँ पे अभी कोई है नहीं। सुबह 6 बजे से न्यूज़ चल रही थी कि यानी कि अब शुरू कर दिया ऑपरेशनल, क्या के बुला लिया गया अपना अमला। यहाँ पे कुछ भी ना अमला है, ना कोई जहाज़ है, कुछ भी नहीं है। लोग परेशान हो रहे हैं, फिर रहे हैं, पूछ रहे हैं। हमारी फ़्लाइट थी 27 फरवरी की, जो कि डिले हो चुकी है, आपको पता है क्राइसिस की वजह से। अभी उन्होंने आज ये कहा कि सबसे पहले तो अपनी टिकट जो है ना उसको रिकन्फर्म करें, उसके बाद जो है ना कल से फ़्लाइट जो है ना वो फ्लाई करेंगी। आज जस्ट एयरपोर्ट की जो एक्टिविटीज़ है उनको ऑन किया गया। 4 रोज बाद फजाई ऑपरेशन जुजवी तौर पर बहाल। पहली परवाज 166 मुसाफिरों को कराची से लेकर लाहौर लैंड कर गई। लाहौर से कराची जाने वाली परवाज 166 मुसाफिरों को लेकर रवाना हुई। फजाई ऑपरेशन बहाल होने पर मुल्की और गैर मुल्की परवाजों के मुसाफिरों का रश। ऑपरेशन बहाल होने पर खुश, लेकिन ताखिर का गिला भी किया। मुसाफिरों को रहनुमाई फराहम कर रहे हैं तर्जुमान पीआईए। पाक भारत कशीदा सूरतेहाल, समझौता एक्सप्रेस आज पटरी पर चलेगी। समझौता एक्सप्रेस मुसाफिरों को लेकर लाहौर से भारत रवाना होगी। पाकिस्तान ने अमन की तरफ कदम बढ़ाते हुए दोस्ती बस भी चलाई थी। कहने को सरकारी अस्पताल, लेकिन महंगा है इलाज। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने सरकारी अस्पतालों में निजी इलाज मुआवजे और टेस्टों की फीसों में इजाफा कर दिया। एंजियोग्राफी 25,000 से 45,000, हार्ट सर्जरी के लिए 2.5 लाख रुपए होना जरूरी। कंसल्टेंट की फीस 2,000 रुपए फी विजिट हो गई। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए मुजाहरे और रैलियां, भारत मुखालिफ नारेबाजी। जारहियत के जवाब में अमन की बात, लिबर्टी में बाइकर क्लब की रैली। जमात इस्लामी का तहफ्फुज़ पाकिस्तान मार्च। सेक्रेटरी जनरल लियाकत बलोच और अमीरुल अजीम समेत कारकुनान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। लियाकत बलोच का कहना है कि भारत
अमन की बात को कमजोरी ना समझे, जंग मुसल्लत की गई तो शिकस्त भारत का मुकद्दर होगी। लिबर्टी चौक में सिविल सोसाइटी की अमन रैली, खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत, शमय रोशन की गई। शुरका ने अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती भी किया। मोदी जंगी जनून पैदा कर रहा है, जंग हुई तो पूरा खित्ता मुतासिर होगा। पाकिस्तान ने अमन का पैगाम दिया, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का बरतानवी और यूरोपीय अरकान पार्लियामेंट को खत। बरतानवी और यूरोपीय अरकान पार्लियामेंट से अमन के कायम और भारत के जंगी जनून के खात्मे के लिए किरदार अदा करने की अपील। भारतीय पायलट को वापस करना अच्छा इकदाम है, ओपोजिशन ने मुफाहमत का हाथ बढ़ा दिया। हुकूमत फायदा उठाए, सियासी अफरा तफरी वाले इकदाम से गुरेज किया जाए। मौला बख्श चांडियो समेत पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हुकूमत की कारकर्दगी पर कड़ी तनकीद, कहा हुकूमत आवाम से महंगाई का बोझ उतारे। कूड़ा उठाओ लाहौर क्लीन बनाओ, शहर को गंदगी से पाक करने का सफाई ऑपरेशन जारी। 5,500 कूड़ा ताहाल सड़कों पर मौजूद, 300 मकामात ताहाल साफ न हुए। सेक्रेटरी बल्दियात, एमडी सफाई कंपनी और डिप्टी कमिश्नर का मुख्तलिफ इलाकों और लखूडेर लैंडफिल साइट का दौरा। 8,000 वर्कर्स की छुट्टी मंसूख की गई, सफाई अमले को जीरो वेस्ट के लिए आज तक की डेडलाइन। जंगली हयात के आलमी दिन के मौके पर जल्लो पार्क में तकरीब का इनेकाद, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के तलबा ने शिरकत की। शहरियों के जंगली हयात के तहफ्फुज़ के हवाले से आगाही। और पाकिस्तान डर्बी रेस 2019 कैलिफोर्निया ने जीत ली, जनरेशन का दूसरा, गोल की क्वीन का तीसरा नंबर, 7 लाख की इनामी रकम, फातेह जोकी के नाम।